देश की आजादी यानी 15 अगस्त 1947 को मेरा देश पूरी तरह से आजाद हो गया था। आजाद होने का प्रक्रिया हमारा 1857 के क्रांति से चली आ रही थी, जो 1857 का विद्रोह मंगल पांडे ने शुरू किया था। लेकिन हमारा देश उस टाइम जब हुआ क्या कि उसमें नियमावली से नहीं चल रही थी आजादी, ये कोई को नहीं पता था। हमारा देश आजाद लगभग 70 साल 75 साल पहले हो जाता। आप सोच सकते हैं जब 1800 के क्रांति हुआ था, 1857 का सिपाही विद्रोह, उसी समय से मतलब हमारा देश लग रहा था कि आजाद हो जाए, लेकिन ये नहीं था। जैसे ये नियमित नहीं था, अगर 1857 में क्रांति में त्रुटियां क्या थी कि अगर दाऊद नगर में क्रांति हो रही है तो औरंगाबाद में किसी को पता नहीं है कि क्रांति करनी है। अगर ये पता रहता, जैसे आज हम लोग का पेपर में छप जाता है कि आज ये ऐसे लगने वाला है, बिहार बंद होने वाला है, तो सभी जगह लग जाता था, तो उस टाइम से नहीं था। तो यही कारण है कि हम लोग को आजादी में काफी मतलब वक्त लगा, तब जाके हम लोग 15 अगस्त 1947 में आजाद हुए। अगर ऐसा होता, सभी जगह संपूर्ण क्रांतियां होती, मान लीजिए कि आज यहाँ और यहाँ एक एक दिन होता, तो यही कारण है जब 1857 के क्रांति एक जगह हुआ तो वहाँ सैनिक, अंग्रेज लोग वहाँ पर सैनिक भेज कर बाकी लोगों को बंदी बनाकर डाल देता था। अगर सब जगह होता तो सभी जगह सैनिक अंग्रेज नहीं पहुंच पाते। ऐसे भी सर बोलते हैं कि एक अंग्रेज को इंडिया कितने अनुपात में रहता था, पांच में, तो समझिए एक अंग्रेज की औकात थी क्या? औकात नहीं थी। अगर यही पूरे इंडिया में होती एक बार 1857 की क्रांति होती, सभी नियमावली पूर्वक होते हैं मात्र, तब जाके उस देश हमारा आजाद हो जाता। और एक और आता है ना कि आपका देश आजाद करने का, मंगल पांडे मरना उनको मराने का शौक नहीं था। मंगल पांडे का कहने का मतलब है कि अगर हम नहीं मरेंगे तो हमारे युवाओं में खून की खोल नहीं बढ़ेगी। यही कारण बोले कि आज हम विद्रोह करना शुरू करते हैं। जब वो विद्रोह करना शुरू किए तब सभी लोग ने अपना विद्रोह शुरू किया और आगे बढ़ता गया। ऐसे ऐसे ही बहुत सारे लोग आए क्रांति में भाग लेते गए। खुदीराम बोस आए, भगत सिंह आए, आजाद गुरु आए, ऐसे करके सुखदेव आए, ऐसे करके लोग आते गए। बाकी हम लोग बनते गया संविधान, लगा कि 46 में हो जाएगा, 41 में हो जाएगा, 42 में हो जाएगा। मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, उसका विद्रोह हुआ। ऐसे करते करते हमारा देश आजाद हुआ, लगा कि संपूर्ण आजाद हो गया 46 में। लेकिन हमारे ये बगल वाले चाचा जी जीना बोले कि हमको अलग चाहिए, अलग प्रधानमंत्री बनने का शौक है, अलग प्रधानमंत्री की मांग करने लगे, तो उनको अलग किया गया। जब पाकिस्तान की मांग 40 में हुआ था, काला दिवस के रूप में 7 अगस्त को मनाया जाता है, जब पाकिस्तान की मांग हुई उसका अलग बनाया गया, तो अलग हुआ, तो अलग हुआ, तो एक और देश टूट गया। एक और का हुआ, फिर भीमराव अम्बेडकर आए, बोले कि हमको अलग प्रांत चाहिए SC ST के लिए, अलग प्रांत चाहिए। बोले कि हमको पूरा दे दे, सेवन सिस्टर बोलते हैं, पूरा ही SC ST को बना दीजिए, हम एक जगह रहेंगे। फिर गांधी जी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा होगा तो फिर एक और देश का टुकड़ा हो जाएगा। हम लोग का देश क्या है, किसका संघ है, राज्यों का संघ है, ये कभी टूटेगा नहीं, ना ही बंट जाएगा। जैसे बिहार है तो बिहार में दो भाग हो जाएंगे, लेकिन टूटेगा नहीं, तो राज्यों का संघ है। क्या हुआ कि कुछ SC ST की सीट हर जगह दिया गया, सबसे ज्यादा कहाँ, मध्य प्रदेश में दिया गया, ऐसे करके बांट दिया गया ताकि ये देश टूटे ना। अगर उसको SC ST को दे दिया जाता अलग, तो हो सकता है आज देश फिर दो भाग में टूट जाते। ऐसे भी खालिस्तान की मांग कर रही है, खालिस्तान की मांग कर रही है, तब टूटने वाले पंजाब दो भाग में हो जाएगा, लेकिन अब टूटने वाला नहीं है। अगर टूटा तो भारत माँ का मुंडी साफ हो जाएगा, टूटने नहीं देना है कोई भी हालत में। ऐसे भी हम लोग अभी और मिला रहे हैं, लाहौर तो नहीं, ये लद्दाख वाला मिला ही लिए हैं, जम्मू कश्मीर वाला मिला ही लिए। हम लोग पढ़वे करते हैं कि हमारा सीट के हमें क्या पर लड़ता है, 550 पे लड़ता है। कितना सीट है, 550। वोटिंग कितना पे होता है, 5 सीट। रखा किसके लिए है, जो लद्दाख में लड़ाएगा तो श्रीनगर में लड़ाएगा, वही रखा है दिमाग, अगला वोट पे ये काम करेगा, दो और खड़ होंगे वहाँ के मुख्यमंत्री। ऐसे हम लोग कोशिश करते जाना है, हम लोग का कोशिश करते जाना है। एक और है, मतलब सब यहाँ पे अब ऐसा नहीं सीरियसली करना है तैयारी, ऐसा थोड़ी ना सब हो जाएगा बिहार पुलिस में यहीं से होगा, तो कमी के लेकिन मेहनत करते जाना है, मेहनत जारी रखना है, थोड़ा या कम हो अब इंजॉय भी करना, ये लेकिन हम डांस ना करें। बाद में आपको नचाने वाला कोई आएगी, आप नाचिएगा सारी जिंदगी, यही अच्छा है कि आप खुद अभी ये डांस कर लीजिए जो है, ये नहीं है सीरियस नहीं लेना है।
टोटली रिजल्ट निकालना है, हो तो वो ना हो तो बाद में हो। मेहनत जारी रहना चाहिए, थोड़ा कम बेसी। एक कहानी हम लोग का पढ़ना था, कछुआ खरगोश वाला, वो कहानी नहीं है, वो कहानी नहीं है। आपको सीख क्या मिलता है? कछुआ निरंतर अपना प्रयास जारी रखा है, इस वजह से जीता है। कछुआ क्या धीरे ही धीरे चला, लेकिन वो चला, कोई वही कछुआ, ये क्या खरगोश क्या किया, जो छलांग मारा रुक गया, छलांग मारा रुक गया। कछुआ क्या किया, निरंतर वो चलते रहा। इसमें कहानी से यही सीख मिलता है, थोड़ा कम बहुत। हेलो, कल टेस्ट हुआ तो उसमें बोल रहे हैं कि मेरा 35-36 है। अरे भाई, आपका 35-36 आया, यानी 100 में से आप 35-36 जानते हैं? ढेर लोग तो वो नहीं जानते हैं। आप 35-36 क्वेश्चन जानते हैं? इतना सारा सेट मारे हैं, किसका औसत 70 कभी है? मतलब पर डेली काम बोल रहे हैं, पर डेली किसी का 70 आता है 70 से भाव, किसी का 50, किसी का 55। तो औसत देखना चाहिए, कोई अवतार लेके नहीं आया है, हर कोई की इतना ही आ रहा है। बाकी सरकार की मेहरबानियां है, लीक होगी कट ऑफ जाएगा, और उसमें भी हम लोग तैयारे हैं कि ले तो रहा। टोटली फिजिकल पे है भाई, रिजल्ट निकालेंगे। लड़की लोग का तो और है, 50 लाना है, नौकरी होगा। बाकी लोग तो हाई में छोड़ जाएंगे, जिसका रहेगा सिलेक्शन हो जाएंगे। एक और है, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मंजिल लिख देगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ हम लिख देंगे। तुम लिख दे जाओ मुश्किल, हम मंजिल लिख देंगे, जमीन पर बैठकर आसमान लिख देंगे।